नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएसएससी नोट्स में। दोस्तों आज है 26 जनवरी यानी हमारा गणतंत्र दिवस, और सभी को पहले हार्दिक शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की। और हमारा संविधान इसी प्रकार से बना रहे और आगे चलता रहे, और हम सभी आशा करते हैं कि आप सभी इस संविधान की रक्षा करेंगे और उनके नियमों का पालन करेंगे। और आज हमारा जो क्विज़ है, ब्लैक होल के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, आप सभी को इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। तो आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं। पहला क्वेश्चन आज के हमारे करंट अफेयर्स का ये है कि हाल ही में इंडिगो के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। दोस्तों तो आप सभी के सामने चारों ऑप्शंस हैं, और चारों ऑप्शंस को देखिए, और अगर आपने पढ़ा होगा इनके बारे में तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, रॉन जॉन दत्ता। ठीक है, रॉन जॉन जॉय दत्ता, इनको क्या किया गया, इंडिगो के नए कार्यकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये जो पहले थे ये यूनाइटेड एयरलाइंस के अध्यक्ष थे। किसके? यूनाइटेड एयरलाइंस के। दूसरा देखिए, कृषि और कल्याण मंत्रालय द्वारा जायद अभियान 2019 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है दोस्तों? तो वो किया गया है नई दिल्ली में। सारे आयोजन नई दिल्ली में ही होते हैं, तो याद करने में कम से कम आसानी तो रहती है ना। देखिए तीसरा, देखिए हाल ही में मलेशिया के नए राजा के रूप में किसको चुना गया है? मलेशिया का जो नया राजा है वो है सुल्तान अब्दुल्ला। कौन है? सुल्तान अब्दुल्ला, याद रखिएगा, ये एशियाई हॉकी महासंघ के वर्तमान अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, याद रहेगा। ओके, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर चार। चार क्या है कि भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो चौथे में होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 25 जनवरी, आज था हमारा। ठीक है, मतलब कल यानी 25 जनवरी को क्या था? राष्ट्रीय मतदाता दिवस था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर पाँच, कृष्णा सोबती का निधन 25 जनवरी 2019 को हुआ था, वह क्या थी? कृष्णा सोबती क्या है, जल्दी बताएं क्या थी? अब थी ही बोलेंगे तो वे थी एक लेखिका। क्या थी? एक लेखिका थी, और इन्हें हिंदी साहित्य की ग्रेड में डैम माना जाता था। ग्रेट डैम या ग्रैंड डैम बोल दीजिए, जो भी कह लीजिए। छठवा देखिए, हाल ही में तकनीकी सलाहकार समूह द्वारा आयोजित 2 दिवसीय प्रौद्योगिकी कॉन्क्लेव्स का विषय क्या था? ठीक है, कॉन्क्लेव का विषय क्या था दोस्तों, जल्दी से बताएं। जो टेक्निकल था उसमें क्या था, टेक्निकल कॉन्क्लेव, तो उसका विषय जो था वे था आपका टेक्नोलॉजी फॉर नेवर जोन गवर्नेंस। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सात, कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग के सद्भावना राजदूत के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? कॉमनवेल्थ के लिए तो किसको नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो वो नियुक्त किया गया है आपका कार्थनी अम्मा को। ठीक है, कार्थनी अम्मा को, आपका सेवेंथ में ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। और जो कॉमनवेल्थ के सीईओ कौन है? आशा कनवार। कहाँ होगा इसका हेडक्वार्टर? कनाडा, 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 जो भी बोल दीजिए। फरवरी 2019 में इंडिया हेरिटेज ऑफ फेस्टिवल का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? आठवें का राइट आंसर क्या होगा? तो वे होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कितने शहरों में? 23 शहरों में आयोजित हुआ है। ठीक है, और इसका आयोजन कौन करता है? यूनेस्को। ठीक है, कौन करता है? हेरिटेज वाला, हेरिटेज साइट किसमें? यूनेस्को में आती है, तो याद रहेगा। और नवा देखिए, नवा दसवा दोनों क्वेश्चन जल्दी से, किन राज्यों के बीच 19 जनवरी को ई नॉन पोर्टल पर पहला अंतर राज्य व्यापार किया गया? तो किन राज्यों के बीच किया गया है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच। दोनों राज्य पहले तो एक ही थे, बेचारे भाई भाई थे, थोड़े से अलग हो गए हैं। दसवां देखिए, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यकाल के अनुसार कौन सा देश 2018 में आपदाओं से सबसे अधिक प्रभावित हुआ है? तो कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा आपदाओं से प्रभावित होता है 2018 में? तो है भारत। ठीक है, कोई महान कार्य नहीं किया है जो सबसे अधिक में है। ठीक है, तो वो बुरी खबर है। तो इसी के साथ हम लोग शुरू खत्म करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। तो वीडियो कैसा लगा जल्दी से कमेंट करके बताएं। किसी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट में जरूर करें, कोई भी सुझाव हो जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों का शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।